अभी नीचे वाले रूम पे जहाँ हम लोग रह रहे हैं, मतलब जहाँ की पेन गेस्ट में रुके हुए हैं, तो अभी नीचे 5 से 6 दिन, अभी 1 हफ्ते हुए होंगे कि एक मोबाइल चोरी हुआ था, जो कि सुबह के टाइम हुआ था, 7 से 8 या फिर 9 बजे के आसपास हुआ था। फिर अभी 2-3 दिन पहले चोरी हुआ, फिर उसके बाद अभी जस्ट आज ही शायद दोपहर में चोरी हुआ या फिर कितने टाइम, तो नीचे वाले लड़कों ने बताया कि ऊपर चोरी हुआ है जो कि दोपहर में ही हुआ है। तो पता नहीं यार कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कब क्या हो रहा है, मतलब कोई भी कभी भी लेके जा रहा है भाई। मतलब यार इतने महंगे महंगे मोबाइल चोरी हो रहे हैं ना, मतलब यार चोर की इतनी, मतलब वो तो देखो इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे आ रहा है, और लगातार यहाँ कई दिनों से चोरी हो रहे हैं, तो पता नहीं कैसे हो रहे हैं लेकिन हो तो रहे हैं भाई। और कब आता है, कब जाता है, कौन चोर है पता ही नहीं चल रहा है, बाहर के ही कोई लड़के हैं या फिर कौन है, क्योंकि ये सालों से चल रहा है और महीनों में कम से कम महीना 2 महीना शांत हो जाएगा माहौल, फिर 1-2 चोरियाँ होती हैं, फिर माहौल शांत हो जाएगा। मतलब अगर कोई लड़का रूम पे बैठा हुआ है या फिर अपना मोबाइल बेड पे या फिर कहीं बाहर खुले में छोड़ के जा रहा है, तो मतलब गायब होने का चांसेस जो ज़्यादा हैं और बचने के चांसेस सिर्फ 10% है, मतलब 90% चांसेस हैं कि मोबाइल आपका गायब हो जाएगा। तो फिलहाल चलो यार अभी तो यही चल रहा है यहाँ, तो अभी चलो देखते हैं, क्योंकि अपना तो संभाल के रखते हैं भाई, रात के लॉकर के अंदर रख के सोना पड़ता है और सुबह जब उठते हैं उसके बाद निकालना पड़ता है, तो अभी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। और फिलहाल तो चलो अभी अपनी अगली प्लानिंग है, तो अभी अपनी प्लानिंग करते हैं और ये सब चक्करों में कहाँ पड़ने वाले हैं। तो चलो यार वैसे तो मूड बिगड़ जाता है थोड़ा सा, और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी हो जाते हैं। और मैंने तो भाई जब से मेरा 1-2 बार ऐसा हो चुका है मेरे साथ ना, तो उसके लिए मुझे गुजरात जाना पड़ा था, मेरा मोबाइल लेने के लिए पर्सनल वकील करना पड़ा था, तो गुजरात के कोर्ट से मैंने वकील करके और थाने से मोबाइल निकलवाया था, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चे हो गए थे क्योंकि मेरे को गुजरात में 2 दिन रुकना पड़ा था, और उसके लिए बहुत ज़्यादा थोड़ी खर्चे हुए थे लेकिन वो अपनी जिद थी, तो फिलहाल तो अपन लेके आए थे। लेकिन अभी ये जो चल रहा है ना बहुत ही बुरा है, और चोर लोगों को क्या ही बोल सकते हैं यार, कम से कम मिले तो फिर 1-2 बार मार भी लो, लेकिन साले सुधरने का नाम ही नहीं लेते हैं, क्या बताएं यार, ज़िंदगी एकदम से बोलते हैं ना गरीबी, ये जो गरीबी होती है ना, कुछ लोग संभल जाते हैं, कुछ लोग सुधर जाते हैं, कुछ लोग बिगड़ जाते हैं, तो वो होते हैं ये चोर साले। पेट के लिए मतलब यार दूसरों का पेट काटना अच्छी बात नहीं है, और ये चीज़ें इंसान को कभी भूलनी नहीं चाहिए। तो गाइस चलो यार अभी तो क्या ही बोले, फिलहाल चलो अभी मिलते हैं यार, आगे देखते हैं आगे क्या होगा।